न्यूज में आज के मुख्य समाचारों के साथ मैं प्रियंका मिश्रा। आज के मुख्य समाचार, बिना मास्क व भीड़भाड़ वाली दुकानदारों के बनाए चालान। रेलवे फुट ओवर ब्रिज की समस्या से पालिका अध्यक्ष ने कलेक्टर को कराया अवगत। भामाशाह द्वारा प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन राशि का वितरण। स्काउट ग्राउंड में मिला पैंथर का शव, वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन तथा एनपीपी सेवा ट्रस्ट ने की कपड़े की थैलियां वितरित। स्कूली बच्चों ने रैली निकाल, वैक्सीन के लिए किया जागरूक। खंडेलवाल लापू रोड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित। अब समाचार विस्तार से। बिना मास्क व भीड़भाड़ वाली दुकानदारों के बनाए चालान। लई खमक की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के दूसरे चरण में सिरोही जिले सहित आपूर्ण में प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर के पूरे जिले में 144 धारा लागू के साथ नगर निकायों में रात्रि 10 बजे से बाजार बंद के आदेश के बाद आज जापुर रोड तहसीलदार राम स्वरूप जोहर, शहर थानाधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई, नायब तहसीलदार आर आई सुखराज चारण ने शहर के मुख्य बाजार में लाउड स्पीकर से सूचना देते हुए सभी को कोरोना की जारी गाइडलाइन की पालना करने को कहा। वहीं इस दौरान मुख्य बाजार में बिना मास्क पहने ग्राहकों को सामान बेचते हुए दुकानदारों के चालान बनाए। साथ ही दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले व्यापारियों के भी चालान बनाए गए। तहसीलदार व थानाधिकारी ने सभी दुकानदारों, व्यापारियों व ग्रामीण अंचलों से आने वाले लोगों को गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। रेलवे फुट ओवर ब्रिज की समस्या से पालिका अध्यक्ष ने कलेक्टर को कराया अवगत। लई खमक की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड नगर पालिका अध्यक्ष मगन दान चरण ने जिला कलेक्टर सिरोही से मोबाइल पर वार्ता कर उन्हें अवगत करवाया कि रेलवे स्टेशन पर चल रहे नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पर पहले भी फुट ओवर ब्रिज स्थापित था, जो रेलवे कॉलोनी की सड़क मार्ग से उठकर रेलवे के पार्किंग क्षेत्र पर उतरता था, जिससे शहरी लोगों एवं रेलवे कॉलोनी क्षेत्र के लोगों को बिना लाइन पार करे बेरोक टोक आने जाने की सुविधा थी। लेकिन जो नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 पर तो उतर रहा है, लेकिन बिना प्लेटफॉर्म पर जाए और बिना रेलवे लाइन क्रॉस किए शहरी क्षेत्र में आने के लिए पहले की तरह रास्ता नहीं दिया गया है, जिससे आम जन को भारी परेशानी होगी। इस पर जिला कलेक्टर सिरोही ने तत्काल इस संबंध में उपखंड अधिकारी आबू पर्वत को कार्यवाही के निर्देश दिए। इस पर उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार को मौके पर भेजा। मौके पर पालिका अध्यक्ष चरण ने तहसीलदार के साथ वस्तु स्थिति का जायजा लिया। तहसीलदार ने कहा कि वे अपनी चार्ज रिपोर्ट तथा शीघ्र प्रेषित करेंगे। पालिका अध्यक्ष चरण ने इस समस्या से मंडल रत्न प्रबंधक अजमेर को भी अवगत करवाया और उनके स्तर पर भी आमजन को राहत दिए जाने की मांग की। भामाशाह द्वारा प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन राशि का वितरण। रमेश सुथार की रिपोर्ट के अनुसार वराड़ा के दुबई में कार्यरत व्यवसायी श्री राम गोकुल चंद अग्रवाल की तरफ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वराड़ा में सत्र 2019-20 में कक्षा 6 से 12 तक के 21 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। अध्यापक संजय शर्मा ने बताया कि भामाशाह द्वारा उनकी माताजी कमला देवी की स्मृति में सत्र 2018-19 में शुरू की गई इस प्रोत्साहन राशि वितरण योजना के तहत इस बार भी कक्षा 6 से 12 तक प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को 3,000, 2,000 व 1,000 रुपए की कुल 42,000 की राशि का वितरण संस्था प्रधान भवरलाल पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित किए गए समारोह में विद्यालय स्टाफ व अभिभावकों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान ने भामाशाह का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विद्यालय के सभी सदस्य के साथ अभिभावकगण उपस्थित थे। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिरोही जनसमय न्यूज के साथ। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सिरोही जनसमय न्यूज में स्वागत है। स्काउट ग्राउंड में मिला पैंथर का शव, वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर।
लई गमत की रिपोर्ट के अनुसार आबू पर्वत के स्काउट ग्राउंड में एक पैंथर का शव मिलने की सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी व पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पैंथर की मौत के कारण जानने में आसपास की जांच की। जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर लगभग 4 बजे के समीप स्काउट प्रभारी जितेंद्र भाटी रोज की तरह ग्राउंड में गए, जहाँ उन्होंने पत्थर के समीप एक पैंथर दिखा गया पाया गया। स्काउट प्रभारी ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिस पर तुरंत प्रभाव से वन विभाग के मोहन राम चौधरी, राम कुमार यादव, सवाराम गरासिया व रामलाल गरासिया मौके पर पहुंचे और उन्होंने पैंथर के शव को कब्जे में ले लिया। वहीं मेडिकल बोर्ड की टीम द्वारा पैंथर के शव को पोस्टमार्टम कर शव का अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग के अधिकारियों के सूचना अनुसार पैंथर की मौत प्राकृतिक लगी, क्योंकि पैंथर के अंग व दांत सुरक्षित थे, वहीं किसी प्रकार के चोट के निशान भी नजर नहीं आ रहे थे। फिर भी वास्तविक स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम हो पाएगी। वन विभाग के अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों का भी जायजा लिया। विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन तथा NPP सेवा ट्रस्ट ने की कपड़े की थैलियां वितरित। भारती चौहान के रिपोर्ट के अनुसार सिरोही शहर में विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन तथा NPP सेवा ट्रस्ट ने कपड़े की थैलियां वितरित करते हुए कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से कागज व कपड़े के थैलियां रखने की अपील की। विश्व पर्यावरण संरक्षण विभाग ने प्रदेश कार्यक्रम प्रमुख तथा NPP सेवा ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल सिंह राव ने बताया कि विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन प्लास्टिक उन्मूलन हेतु कपड़े की थैलियां वितरित कर रहा है। विश्व पर्यावरण मिशन के प्रदेश कार्यक्रम प्रमुख राव के मार्गदर्शन में जिला अध्यक्ष आशा देवड़ा, जिला सचिव इंदिरा खत्री, संयुक्त सचिव सविता कुमारी, अनीता चंवाड़, NSS की प्रभारी वर्षा त्रिवेदी ने गाइड बालिकाओं व NSS की सेविकाओं के साथ सिरोही शहर में कपड़े की थैलियों का वितरण किया। थैलियां वितरित करते हुए कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से कोरोना के प्रति सावधानी बरतने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना की गई। स्कूली बच्चों ने रैली निकाल वैक्सीनेशन के लिए किया जागरूक। लई गमत की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्ताड़ी के स्कूल स्टाफ व विद्यार्थियों द्वारा कोरोना के प्रति जागरूक रैली निकाल गांव के लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके तहत आज स्कूल परिसर में निःशुल्क वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के प्रारंभ में स्कूल के शिक्षकों व विद्यार्थियों का पूरे गाँव में जागरूकता रैली निकाली गयी। धनाचार्य ने बताया कि होली के बाद आगामी 1 अप्रैल से भी वैक्सीन शिविर आयोजित होंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण वैक्सीन लगवाएं। खंडेलवाल आबू रोड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित। लई गमत की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड बार एसोसिएशन वर्ष 2021 के चुनाव गुरुवार को सम्पन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी सोहन सेन ने बताया कि वकील भंडार आबू रोड की वर्ष 2021 की कार्यकारिणी के चुनाव हेतु अध्यक्ष पद पर अवधेश देवल एवं दिनेश खंडेलवाल अधिवक्ताओं का आवेदन प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष पद पर विक्रम सिंह देवड़ा, सचिव पद पर अर्जुदा दरिया, कोषाध्यक्ष पद पर आरिफ खान पठान एवं सह सचिव पद पर श्रेयांश शर्मा एडवोकेट का आवेदन प्राप्त हुआ। अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में कुल 97 वोट में से 93 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें दिनेश खंडेलवाल को 48 मत मिले व अवधेश देवल को 42 मत मिले। वहीं 1 वोट नोटा व 2 वोट खारिज हुए। चुनाव अधिकारी सेन ने बताया कि अध्यक्ष पद पर दिनेश खंडेलवाल 5 मतों से विजयी रहे। वहीं लगातार चौथी बार कोषा अध्यक्ष पद पर आरिफ खान निर्विरोध चुने गए। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिरोही जनसमय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।